और जो फिजिक्स बैंक का लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन पर थोड़ी थोड़ी बात हो गई थी। अगर मैं थोड़े शॉर्ट में बात करूँ, ठीक है, यानी मैं मसाला ऑफ द लेक्चर की बात करूँ जो कि लास्ट में हम लोगों ने किया था, ठीक है, तो उसमें देखो बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखी थी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी, तुमने बताया था फिजिकल क्वांटिटीज जिनको अपने नाप सकते हैं। इसके बाद अपने आए थे फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की थी, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फिर फंडामेंटल क्वांटिटी देखी थी 7 तरह की थी। उसके बाद देखे थे ड्राइव क्वांटिटी जो थी वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी थी। फिर उसके बाद चर्चा हुई थी अपनी पूरी की पूरी डायमेंशन पर। तो कुछ फॉर्मूले के डायमेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए थे, कुछ के मैंने होमवर्क दे रखे थे, कुछ के अपने आज कैलकुलेट करेंगे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो भी आएगा, ठीक है। और हाँ, तुम लोग को अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ से तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे बता सकते हो, मैंने अपनी मेल भी दे रखी है और इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, कुछ दे रखा है। तो अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताना, ठीक है। चलो तो अपने क्या करेंगे, फाइंड द डायमेंशन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अपने डायमेंशन, ठीक है, पहला डायमेंशन अपने क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे F इज इक्वल टू जी, ये अपने कहाँ पे पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ेंगे अपने, एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे बस। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला पता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो हर एक चैप्टर में हम लोग फॉर्मूले जो है वो देखने वाले हैं। जैसे ये फॉर्मूला ग्रेविटेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं F की बात करूँ तो F क्या है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। F अपना यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। और R क्या होता है, अपना डिस्टेंस बिटवीन टू मास, ठीक है। और M1 M2 क्या होते हैं, अपने मास, ठीक है। और G क्या होता है, G होता है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमको किसका डायमेंशन फाइंड करना है, G का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। किसका डायमेंशन यहाँ पर फाइंड करना है, हमको G का डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। G का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो देखो अपने ऐसे लिख सकते हैं गैस को, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू जी, बोलो इस तरह से लिख सकते हैं सुझा के, ठीक है। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फोर्स का लेक्चर, फोर्स का जो डायमेंशन है वो तुम लोग को याद होना चाहिए, और नहीं तो मास इंटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। और एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन मैंने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट करा दिया था, जैसे मुझे फोर्स का याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो F इज इक्वल टू M L T 2 माइनस, ठीक है, ये अपना हो गया फोर्स का डायमेंशन। अच्छा, आर आर यहाँ पे क्या होने वाली है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस एक लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या होता था, कैपिटल L, ठीक है। अच्छा, M1 और M2 दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे M हो जाएगा। सबको यहाँ से क्या करो, उठाओ और चिपका दो, ठीक है, चिपका दो। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया अपना, ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हो गया M L T 2 माइनस। और आर आर का क्या हो गया, ठीक है, एल और एल के ऊपर यार पावर टू भी तो है, तो नीचे क्या हो जाएगा, M पावर 2, बोलो, ठीक है जी। तो देखो कुछ कट वट रहा होगा यहाँ से, तो ये आ गया M L -1, एक से ये एक गया, ठीक है, और ये हो गया M L 3 T 2 माइनस। ये किसका डायमेंशन आ गया है, जी, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, अब इसके बाद किसका डायमेंशन निकालना है, तो इसके बाद अपने डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट SHM में देखने को हम लोग को मिलेगा, ठीक है। SHM में या फिर लॉज ऑफ मोशन में भी अपने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पढ़ते हैं, वहाँ पे भी जो टेंशन वाले प्रॉब्लम होते हैं उनके बाद, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपने थोड़ा बहुत देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। लेकिन हाँ, डिटेल में जो मैं पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा SHM में, ठीक है। तो डायमेंशन यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपने। तो अपना नेक्स्ट है, ठीक है, सेकेंड, F इज इक्वल टू KX, ठीक है। एफ यहाँ पे क्या है, वापस से फोर्स, देखो फोर्स क्या है, बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है फोर्स। अच्छा, के क्या है अपने यहाँ पे यार, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। और एक्स अपना क्या है, डिस्टेंस ले लो या फिर तो लेंथ ले लो, ठीक है, डिस्टेंस लो या लेंथ लो, डायमेंशन दोनों का एक ही आने वाला है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे डायमेंशन निकालना है किसका, अपने को के का निकालना है, ठीक है, के का निकालना है डायमेंशन। तो देखो होगा क्या, ठीक है, एफ
फाई एक्स इज इक्वल टू के, और अभी मैंने कहा था फिजिक्स का डेफिनेशन याद नहीं आया, ठीक है, तुमने कहा था तो लेकिन मुझे याद है, ठीक है, और तुम्हें भी याद होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू एफ एल टी माइनस टू, और एक्स का डायमेंशन कैपिटल एल, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एम एल टी माइनस टू अपॉन में हो जाएगा एल, एक एल से एक एल गया, आंसर आ गया एम एल टी माइनस टू। बोलो, नहीं चमका, ठीक, बड़ा आसान है यार, और तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे तो फॉर्मूले नहीं आज, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कुछ फॉर्मूले याद करो, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर अपने पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें फॉर्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉर्मूले याद नहीं, कुछ कुछ याद करो, ठीक है, जैसे जैसे अपने पढ़ते जाएंगे तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की बात अपने कहाँ पे होती है, सरफेस टेंशन की अपनी बात होती है लिक्विड वाले में, ठीक है, फ्लूड मैकेनिक्स में या फ्लूड डायनामिक्स में, ठीक है, वहाँ पे तो वहाँ पे सरफेस टेंशन अपने पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब ये तुम एस एच एम में भी पढ़ लोगे और मैथाई की लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ लोगे, तो धीरे धीरे फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, फॉर्मूले की कोई भी दिक्कत नहीं है कि हाँ भैया मुझे तो फॉर्मूले याद ही नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। अब ठीक है, अब अपने किसका कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, अब अपने कैलकुलेट करने वाले हैं यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन, ठीक है, जितने वहाँ पे मैंने लिख रखे हैं सारे कैलकुलेट करेंगे अपने, देखो यंग मॉडुलस को इसमें पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके एक चैप्टर होता है, ठीक है, जो कि शायद सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वाई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है, तो देखो इस तरह का कुछ इसका फॉर्मूला है, अब ये देखो जरा, ये एल बाई एल है, ठीक है, ये क्या है अपना एल बाई एल, एल बाई एल मतलब डेल्टा एल, पर डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, ठीक है, सारी बातें वहां पर अपने डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बस फॉर्मूला, तो ये क्या होगा अपना, देखो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो ये अपना कैसा हो जाएगा, डायमेंशन लेस, जैसे यार वो अपने सलमान बॉय की मूवी होती है ना, ठीक है, लॉजिक लेस, ठीक है, या फिर एक्टिंग लेस, तो उसी तरह से, ठीक है, ये क्वांटिटी क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है, सलमान बॉय, तो वाई इज इक्वल टू क्या बचा पाने अपने पास, ठीक है, एफ बाई ए, तो एफ अपना क्या हो गया यार यहाँ पे फोर्स है, और ए अपना क्या है यहाँ पे यार एरिया, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन नहीं है तो याद कर लो, देख लो यार, ठीक है, हर बार फोर्स का डायमेंशन आ रहा है, प्लॉट टू, तो एल से एल गया ये, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, थर्ड हो गया, ठीक है, इसके बाद अपने किसका देखते हैं, स्पेसिफिक हीट वगैरह का डायमेंशन देख लेते हैं, ठीक है, या फिर टी वी इज इक्वल टू एन आर टी का करते हैं, चलो ठीक है, टी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फोर्थ, ये देखो एक फॉर्मूला होता है टी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इससे अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे टी जो होता है अपना वो क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे यार टी इज इक्वल टू मोमेंटम होता है, नहीं हर जगह टी इज इक्वल टू मोमेंटम नहीं होता है, ठीक है, वी वॉल्यूम, ठीक है, एन क्या होता है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर अपना यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और टी अपना क्या होने वाला है टेम्परेचर, ठीक है, अपने को डायमेंशन किसका फाइंड करना है यहाँ पे, तो डायमेंशन फाइंड करना है अपने को आर का, आर का अपने को क्या करना है डायमेंशन फाइंड करना है, यानी यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का, तो इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू, ठीक है यार रुकना, ठीक है आर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा पी वी अपॉन में एन टी, तो देखो एन, बाकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का डायमेंशन अपन निकाल लेंगे पास से, कि एन टी के एन का डायमेंशन क्या होगा, तो कुछ केमिस्ट्री वाले छात्र होंगे, ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले छात्रों को पढ़ाया जा रहा होगा अभी मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट या फिर पढ़ के आए होंगे तुम लोग, ठीक है, नाइन्थ में भी मोल कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या बताया जाता है यार, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, कैसे बताया जाता है, मास गिवन, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक
ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो नंबर ऑफ मोल अपनी कैसी क्वांटिटी हो गई भाई, अनुमान बॉय वाली, ठीक है चलो ये मिटा देता हूँ, ठीक है, मतलब अपने नंबर ऑफ मोल्स से मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा आर इज इक्वल टू पी वी, ठीक है, पी प्रेशर को अपने क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, मतलब ठीक है, अपॉन में क्या आ गया टेम्परेचर, एरिया से एरिया गया, ठीक है, वापस से फोर्स, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये हो गया अपना एल, एल ही तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा टेम्परेचर का डायमेंशन मैंने बता रखा है, थीटा ले लो या टी ले लो, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम एल एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, थीटा की पावर माइनस फोर, ठीक है। एक इसी का करेक्शन फॉर्म भी दिया गया था जिसको अपने वंडर वाल गैस इक्वेशन से बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी जो होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है और एक रियल गैस इक्वेशन होती है, इसी में अपने करेक्शन भी पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे समथिंग, ठीक है, समथिंग प्लस होता है, ठीक है, और यहाँ पे समथिंग माइनस होता है बी, और इज इक्वल टू, वो एक मोल के लिए एन मोल के लिए पूरा का पूरा अपने डिस्कस करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैकेनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पूरा एकदम डिटेल चैप्टर, इन सब के ऊपर कुछ लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, सारी बातें हैं। चलो अब अपने किसका निकाल ले, ठीक है, स्पेसिफिक हीट का, आओ तो स्पेसिफिक हीट का फिफ्थ है ना, नहीं ठीक है, फिफ्थ, फिफ्थ में क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है, अच्छा क्यू अपने यहाँ पे क्या हो गए, हीट हो गई, एम हो जाएगा अपना मास, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है, ठीक है, एक्सपेंशन वाले में जिसमें लीनियर एक्सपेंशन वगैरह अपने पढ़ रहे होते हैं, ठीक है वो, और एस हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा लगाया चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, तो अपने यहाँ पे डायमेंशन किसका निकालना है, अपने को डायमेंशन निकालना एस का, ठीक है, एस का डायमेंशन निकालना है, इधर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, तो देखो यार क्यू, क्यू अपना क्या है, हीट, हीट तरह की क्या है, तरह की एनर्जी, तो मैंने एनर्जी का डायमेंशन उनको पढ़ा रखा है लास्ट लेक्चर में, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यार, एनर्जी कोई भी एनर्जी निकालो डायमेंशन सेम होता है, वर्क का भी डायमेंशन निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, सेम आएगा एन एल टी टू माइनस टू, ठीक है, ये माइनस टू है, एन एल टू टी माइनस टू अपॉन में आ गया अपना एम, और ये क्या आ गया, के ले लो या थीटा ले लो, ठीक है कुछ भी ले सकते हो, तो एम से एम गया एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, ये आ गया अपना क्यू का डायमेंशन, ठीक है यार। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी तरह लेटेंट हीट का निकाल लोगे, ठीक है, लेटेंट, लेटेंट हीट का निकाल लोगे, ठीक है, लेटेंट हीट का, ठीक है, लेटेंट हीट का कैसे निकाल लोगे, यहाँ से देखो लेटेंट हीट का, ठीक है, लेटेंट हीट का निकाल लोगे, ठीक है, फिफ्थ या सिक्स नंबर लीजिए, ठीक है, लेटेंट हीट का यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, तो एल हो जाएगी यहाँ पे तुम्हारी लेटेंट हीट, और एम तुम्हारा वही मास है, और क्यू वापस यहाँ पे हीट है, तो हीट की जगह पे अपने एनर्जी का डायमेंशन चिपका देना, ठीक है, और एम की जगह पर मास हो जाएगा, अपना लेटेंट हीट का डायमेंशन निकाल ही लोगे, ठीक है, बहुत आसान। इसके बाद देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मैं डायमेंशन निकलवा दे रहा हूँ, और टेंथ में तुम लोग काफी फॉर्मूला पढ़ गया, तो वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर मैं खुद पढ़ाता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला लगता है बैकबोन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हर जगह लगता है, ठीक है, तो खैर तुम लोग इलेवेंथ में आ गए तो पुरानी बातें हैं, ठीक है, और बिना पेपर दिए आए, ठीक है, तो कुछ अलग ही मजा होगा। देखो अब इसी तरह अपने देखेंगे पोटेंशियल का डायमेंशन, ठीक है, पोटेंशियल का डायमेंशन, तो पोटेंशियल का डायमेंशन अपने लिए निकालना सबसे आसान है, ठीक है, तो पोटेंशियल का डायमेंशन अपने कैसे निकाल रहे हैं यार, पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल रहे हैं सी इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, सात चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, तो ऐसे घबराए नहीं कि फॉर्मूला मुझे नहीं याद है, ठीक है, जैसे भी मैं अभी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि भैया मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे फॉर्मूले, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि फॉर्मूले नहीं याद है, ठीक है, धीरे धीरे अपने फॉर्मूले याद हो जाएंगे जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे
ये वर्टन है, तो वर्टन का डायमेंशन अपने कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। वर्टन का डायमेंशन क्या था यार, वर्टन का डायमेंशन सिर्फ उसके टूडे स्पेस में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसका डायमेंशन हो गया अपना ये, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, और अपना यहाँ पे क्यू, क्यू हीट नहीं, यहाँ पे क्यू चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी होता है, ठीक है, हमारे दिमाग में आ रहा होगा चार्ज का डायमेंशन ए इंटू टी कैसे होता है, तो देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। आई का जो डायमेंशन होता है अपना वो क्या होता है, ए होता है, ठीक है, ये याद कर लो। अच्छा आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, अभी क्लास टेन पास आउट होकर जस्ट तुम लोग आ रहे हो, ठीक है, बिना भी पढ़ दिए, ठीक है। अच्छा तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, तो ये अपना आई हो गया ए और ये हो गया अपना टी, ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमेंशन चार्ज का। तो अब देखो यहाँ कुछ कट वट रहा है क्या, ठीक है, ये हो जाएगा अपना एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। इसी तरह तुम लोग अगर मेरा पोटेंशियल का निकाल दिया, इसी तरह तुम लोग किसका निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस का निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस का निकाल सकते हो, मैं इसी में बता दे रहा हूँ। जैसे देखो ठीक है, कैसे निकालोगे तुम लोग, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ करते आर वी अपॉन आई, अच्छा वी का डायमेंशन बता दिया मैंने ये, ठीक है, और आई का डायमेंशन ये रहा, बोलो नहीं आ जाएगा। अच्छा इसी तरह मैं देखो कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी कैपेसिटेंस, ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्यू का डायमेंशन ये रहा, वी का डायमेंशन ये रहा, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो, निकाल के मुझे बता, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में तुम्हें बता देना, और बाकी जो अपने कोचिंग वाले बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर देना अगर कोई भी दिक्कत होती है तो, ठीक है। तो इस तरह अब अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ठीक है। तो देखो तुम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से ये चेक कर सकते हो कि कोई भी तुम्हारा फॉर्मूला सही है या गलत, ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की ताकत, ठीक है। एक चेयर है सर, ये तो हैवी ड्राइवर है सेटर का, बिल्कुल 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 हैवी ड्राइवर है भाई, ठीक है, चल चल देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है यार, ठीक है, कि जो डायमेंशन है, मतलब जैसे आप क्या देखो, दो टर्म ऐड होते हैं, जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ मोशन की, तो v इज इक्वल टू अपने पढ़ते नहीं थे यार, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी पढ़ते नहीं थे यार, ठीक है, इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, या तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू है, तो जितनी भी इक्वेशन होती है सबसे हर एक टर्म्स का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, कहोगे क्या घुमा रहे, ठीक है, सीधा सीधा बताइए ना, ठीक है। देखो 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 हम लोग उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिनका डायमेंशन क्या होना चाहिए, अपना सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा कहीं देख रखा है क्या तुमने कि 5 न्यूटन फोर्स है ये अपना, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकेंड ऐड कर। तो देखो अपने एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि ऐसा कहीं थोड़ी देख रखा है तुमने कि मैं कहूँ कि 5 किलो आलू ले लो, ठीक है, और 3 किलो टमाटर ले लो, तो मैं कहूँगा दोनों को ऐड करके बताओ, ठीक है, तुम ऐसे थोड़े बोलोगे 8 किलो सब्जी, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐड नहीं कर सकते, मतलब सेम क्वांटिटी को अपने ऐड करें, आलू का आलू में से 5 किलो आलू प्लस 5 किलो आलू 10 किलो आलू, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन अपना क्या सेम है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, टाइम और मास नहीं ऐड हो सकते, ठीक है, मैं कहूँ 5 मिनट, ठीक है, प्लस 5 किलो ऐड करके बताओ, ठीक है, तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह मैं अगर बोलूँ यहाँ पे फोर्स प्लस करंट को ऐड करके दिखाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। तो अपने उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर लोगों ने एक क्वेश्चन ले रखा है, अपने को क्या करना है, ठीक है, डायमेंशन फाइंड करना है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन ले रखी है, तो अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑपरेशन की बात करूँगा तो सम लगा रखा है, अभी मैंने कहा सम का मतलब क्या होता है, ठीक है, डायमेंशन सेम, मतलब उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिनका डायमेंशन क्या हो अपना सेम। तो v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, मतलब a का डायमेंशन भी v के बराबर होगा, और ठीक है b का भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, बी टी, मतलब इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, v के। तो अपने ऐसे में कहते हैं v इज इक्वल टू a, और a यहाँ पर है क्या अपनी, ठीक है, वेलोसिटी है, और t यहाँ पर क्या है टाइम है जो कि मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो देखो अच्छा b का डायमेंशन होता है क्या आपका एल टी माइनस वन, तो यही डायमेंशन किसका हो जाएगा, एक। अच्छा बी
ठीक है, v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू v t, तो v का डायमेंशन एल टी माइनस वन, ठीक है, v का डायमेंशन निकालना है, t का डायमेंशन t प्लस वन, तो ये इधर आएगा, ये इससे मिलेगा, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है, वो कट नहीं किया मैंने, मतलब इधर ले आके इधर चिपका दिया, ठीक है। तो कुछ सवाल और देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही अपने वापस स्टार्ट करेंगे, ताकि किसी बच्चे को न समझ में आओ, ठीक है। और हाँ, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है।